अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है और मजे में है। हमारे घर में तो जनाब सारे बारी बारी बीमार हो रहे हैं। पहले तो मैं बीमार हुई थी ना बार बार, फिर मिशारी बीमार हो के अभी वो बिल्कुल ठीक हुआ, और अभी तिहामी के स्कूल से कॉल आई है। तिहामी है, उसको फीवर हो रहा है, उसको पैराडॉल वगैरह दे दिया है। तो बहरहाल तो उन्होंने कहा है कि जी आप उसको आके पिक कर लें क्योंकि उसको रेस्ट की जरूरत है। अब शहजाद गए हैं तिहामी को लेने के लिए और ये है मेरे साथ मिस्टर मीशू। तो आज है थर्सडे और मेरा प्लान था सैटरडे को ना फैमिलीज के साथ गेट टुगेदर करने का, फ्रेंड्स मतलब के साथ ना, क्योंकि मेरे भाई भाभी वगैरह तो चले गए होंगे ना वीकेंड से पहले पहले। तो मेरा प्लान था कि मैं चलो वीकेंड हमारा फिर उदास सा ना गुजरे, तो चलो एक ना पार्क में बारबेक्यू कर लेते हैं, मैं ही अरेंज कर लेती हूँ और दो फैमिलीज को बुला लूंगी। अब जो एक फैमिली है उनके बच्चों की भी तबीयत इसी तरह खराब हुई हुई है, उन्होंने फिर इस वजह से रिफ्यूज कर दिया कि वो लोग तो नहीं आ सकेंगे। फिर जो दूसरी फैमिली है उनके भी जो है वो अपने दोपहर में काम है और वो शाम में लेट आ सकेंगे। तो फिर मैंने दूसरी जो फैमिली थी उनको मैंने मना किया, मैंने कहा आप लोग ना अगर फ्री हो गए तो बेशक हमारे घर आ जाना, खाना इकट्ठे खा लेंगे, लेकिन ये कि बाहर वाला फिर टिक्को वाला ना प्रोग्राम जो है ना उसको स्किप करते हैं। तो ये जनाब हुआ सीन। खैर आज भाई के पास जा रहे हैं, मुझे ये बहुत है तिहामी की जो है ना वो तबीयत बस अल्लाह करे ठीक रहे, बॉडी एक वगैरह ज्यादा ना हो उसकी, फीवर वगैरह के लिए मेडिकेशन मैं लेके जाऊंगी साथ में। और लेकिन यह कि मिलना भी जरूरी है ना, उन लोगों ने फिर वापस जाना है, तो हम लोग इस वजह से थोड़े आपस में थोड़े से प्रोग्राम्स हैं। तो ये है कि अब देखें वो प्रोग्राम कट डाउन करने पड़ते हैं, थोड़े बहुत करने पड़ते हैं या डिटेल प्रोग्राम कर सकते हैं हम लोग, लेकिन मकसद सिर्फ यह है कि चलो हम लोग मिल लें। आते ही चॉकलेट खाना शुरू हो गया। आज तिहामी को ना मैंने लंच नहीं दिया था क्योंकि कह रहा था मैंने स्कूल में शवरमा खाना है। तो क्या खा के आए हो? टू तिक्का शवरमा। अच्छा, और हाँ, और इसका ये हुआ कि आज इसकी पीई थी तो ये बाहर खेल रहा था बास्केटबॉल। हाँ बिल्कुल, आए हैं क्लास में थोड़ी देर बैठे, फिर पीई आई है, खेल के शेड गर्मी थी, मतलब गर्मी थी हाँ, लेकिन मैंने शेड में खेला था बास्केटबॉल खेला था। मैं वापस आया तो मुझे हेडेक शुरू हो गई, तो मैं गया हूँ उधर क्लिनिक क्लिनिक में, उसने मुझे चेक किया, उसने पैनाडोल दिया और कहती है कि स्लाइस फीवर। फिर मैं दो तीन महीने फिर 5-10 मिनट मैंने वेट किया, पापा आए थे और फिर बाबा ने मुझे पिक कर लिया, मैं वापस आ गया। और अभी मैं से कह रही सो जाता है, आपको बेटा भूख लगी है तो मैं खाना दूँ, नहीं तो इधर उधर निबल करना फजूल चीज़ें, उससे बेहतर आप सो जाओ। चॉकलेट हम ही सो जाओ फिर, चलो जल्दी से फिनिश करो और फिर सो जाओ, जल्दी जल्दी खाओ, ये नहीं कि बेटा आधा घंटा लगाओ। इस वक्त 1:45 हो रहे हैं बेटा, बाबा ने आना है और बाबा ने आना है तकरीबन 6:30 बजे, तो आप लोगों के पास 3 आवर्स हैं, उसके बाद उठ के आप लोगों ने रेडी भी होना है मामू के पास जाने मिलने के लिए, ठीक है ना? चलो बेटा, ये क्या मामू को मिलने के लिए हूँ कर रहे हो? हाँ आते हामी भाई है वो मेरा, उसके बारे में ऐसे बात ना करना, सुना है आपने? अच्छा इसलिए, ओके ओके ओके, 4 times आपने कहा तो मुझे यकीन आया। या यू डोंट वांट टू मीट योर मामू? नो आई वांट टू मीट। चलाक निकला, ये पैशन फ्रूट भी है इसमें। तेरे को तो बहुत भूख लगी हुई थी ना तेरे, आपने क्या मंगवाया? चपलाना है। ओके आई गेट इट। ओह गुड। कैन बीहेड मी प्लीज। नहीं वो गुजरते गुजरते वो बीहेड नहीं हो सकता, मैं दोबारा कर इसको हेड पे पहन के खाना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? भतीजे में और भाई में लड़ाई पड़ गई है तो हो गया। वाओ गुड़िया पा, नहीं है मैं कह रही हूँ ना, देखिए मैं अपनी ताकत हो गया ऐसे नहीं है गुड़िया पा, ये नौश किचन रूटीन को चैलेंज मिला हुआ है, नौश किचन रूटीन में असलियत कटिंग के लिए करीब हो मंजिल करीब। गुड़िया पा ऐसा करके ये कर दूं, काट के दे दूं? नहीं
ये हार मान ली है और अब ये देखिए आपके हस्बैंड जो है ये करने लगे हैं। आप देखें फिर देसी घी की ताकत देखा फिर हाँ लेकिन मैं तोड़ूंगा तो ये दाने सारे इनका रस निकल आएगा। इसे ग्लास रख देता हूं। शिजाल भाई बाबा शिजाल भाई आशीष भाई आपकी टर्न। कौन होगा ये क्या है पौधा बाहर निकला हुआ इतनी सी बात की।